welcome back my dear students as you know that uh, we are reading the format of uh, the letter writing and uh, we are going today to conclude the format of formal uh, letter writing so i uh, earlier discussed some uh, formal letters official letters with you now today i am going to deal with the uh, main important letter that we uh, often have to write to a principal uh, for some uh, okay for some uh, sanction of the leave so today we will discuss how to write an application to our principal of the school uh, okay so as you know this is a formal letter or official letter and in official letter i have already told you that we first mention the sender's address सो so, बेटा इफ़ आई एम द स्टूडेंट ऑफ द एट्थ क्लास आर नाइन्थ क्लास आर टेंथ क्लास आर ऑफ सेवन क्लास वट एवर क्लास आई एम फ्राम लेट आई टेक द लैंडस्केप मोड ओके सो दिस इज़ अ फॉर्मल लेटर सो सबसे पहली बात जो है मैं लिखूंगा बेटा सेंडअर्स एड्रेस मैं नहीं कि मैं कहाँ रहता हूँ ओके okay? मैं सेंड कर रहा हूँ तो मैं कहाँ रहता हूँ अपना ये एड्रेस लिखूंगा मैं तो सपोज आई लिव एट डांगर ओके आई विल राइट एट राइट इट डर पोरा okay? अनंतनाग ओके हो गया सेंडर्स एड्रेस तो उसके बाद लिखता हूँ आज की डेट इसी के सीध दिस इज सेवन जुलाई 2020, ओके ये हो गई बेटा ओके तो हेडिंग में आता है पहले क्या सेंडर्स एड्रेस राइट बात समझ में आई तो आ गया ये फॉर्म लेटर में पहले जैसे कि मैंने कहा ओके कि पहले आता है सेंडर्स एड्रेस तो हो गया अब है जिसको मुझे जिसको मुझे भेजना है यानी कि रिसीवर एड्रेस मुझे लिखना किसको है डायरेक्टर को लिखना है न्यूज एडिटर को लिखना है प्रिंसिपल को लिखना है मुझे ओके तो मैं लिखूंगा प्रिंसिपल को तो मैं ऐसे लिखूंगा द प्रिंसिपल ओके द प्रिंसिपल सेंट जेन्स इंटरनेशनल स्कूल अनंतनाग ओके तो बेटा ये जो है ये जो है ये आ गया मुझे रिसीवर्स एड्रेस जो रिसीव करेगा ओके okay, तो ऊपर वाला जो हैडिंग है ये आ गया सेंडर्स एड्रेस मेरा एड्रेस सपोज़ अगर मैं डांगर पर काज़ी गुंड में रहता हूँ या कुलगाम में रहता हूँ तो मतलब अपने मतलब टाउन का या उस गांव का नाम यहाँ पे और कुलगाम यहाँ पे यहाँ पे मतलब सपोज़ काजी गुंड कुलगाम हाँ यहाँ पे मतलब जीनी चौक अनंतनाग वगैरह वगैरह ओके okay, यहां पे डेट हो गई है ये आ गया बेटा हमारा एड्रेस जहाँ से हम लिख रहे हैं और यह हो गया उसका एड्रेस जो रिसीव करेगा जिसको हम लिख रहे हैं ओके okay? अब इसके बाद बेटा आता है सब्जेक्ट ओके okay? तो मैं लिखूंगा इस तरह से सब्जेक्ट ओके okay? मैं लिखूंगा लीव एप्ली एप्लीकेशन क्या लिख रहा हूँ मैं लीव एप्लीकेशन तो बेटा मैं आपको बता तो मैंने पहले ही कहा था कि सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं हम वही लिखते हैं जो हमें जो हमें बताना होगा बॉडी में यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं तो वो शार्ट में हम लिखते हैं कि ये जब पढ़ेगा ऑफिसर तो वो देखेगा कि एप्लीकेशन किसके बारे में है ओके okay? मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ने जा रही हूँ वो किसके बारे में है ओके okay? तो लीव एप्लीकेशन आर यू कैन राइट इट एज एप्लीकेशन फॉर टू डेज ली एप्लीकेशन फॉर थ्री डेज ली वो भी लिख सकते हैं लीव एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं इट इस नॉट अ प्रॉब्लम ओके उसके बाद हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे इसी के सीध में डिया मैडम ओके okay? डिया मैडम ओके okay? यहाँ पे लिखूंगा मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट आई like to say that i'm a student of class 8th of your school okay i have to go to srinagar to attend sorry to attend my uncles wedding okay uncle's wedding ceremony on Twentieth July, two thousand twenty, and will come back on twenty third July, two thousand twenty. Okay, kindly grant three. काइंडली ग्रैंड मी लीव फॉर थ्री डेज ओके आप यहाँ पर लिख सकते हैं योरस इसकी सीध में बराबर योरस फेथफुली ओके ए बी सी आपका नाम ओके सेक्शन ओके रोल नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या है ओके okay, बात समझ में आई तो बेटा मैंने लिख ही दिया आपके लिए तो यह हो गया पूरा फॉर्मेट जो कि हम अपने प्रिंसिपल को लिख सकते हैं ओके आई होप यहाँ कोई भी जो भी आपको लिखना होगा अब ये ज़रूरी नहीं है कि लियो के लिए पिकनिक के लिए जाना है तो एप्लिकेशन फॉर पिकनिक ओके तो यहाँ पे बिल्कुल यही इगजैक्ट exactly. हाँ यहाँ पे आप चेंज करेंगे सपोज अगर आपको पिकनिक के लिए जाना होगा तो बेटा जी यहाँ पे आप चेंज करेंगे कहाँ पे सेंडर्स एड्रेस पे सेंडर्स एड्रेस पे आप कैसे चेंज करेंगे आप लिखेंगे मिसाल के तौर पर अगर अस लटर प्रंसपलस कि अस दिये इजाजत अस करना पिकनिक अखो ले यथन स्टूडेंटस आफ कलास नाइन्थ एंड ट ओके ओके यथनसन गो सपोज सपोज नाइन्टीन जुलई टू थाउजेंड ट्वेंटी ओके उसके बाद लिखेंगे हम द प्रंसिपल सहर सीर इंटरनेशनल स्कूल ओके okay? और सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर पिकनिक ओके okay? चलिए और तो उसके बाद हम बॉडी में लिखेंगे इस तरह से कि हम जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स सपोज तो अगर नाइन्थ टेंथ वाले जाना चाहते हैं या स्टूडेंट्स फ्राम क्लास या स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट्थ नाइन्थ टेंथ या स्टूडेंट्स फ्राम क्लास सिक्स टू टेंथ ओके ऐसे ही तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा सेंडर सेंड्रेस वहाँ पर ओके बात समझ में आई तो ऐसा होता है बेटा ये जब हम प्रिंसिपल को कोई एप्लीकेशन लिखते हैं ना माई डियर स्टूडेंट्स वी विल गो टीफॉर्मल हाउ टू रैटर सो इनफार्मल में क्या आता है यहाँ पर हमारा सेंडर्स एड्रेस जो है वो देना वो देना जरूरी नहीं होता है हम खाली रिसीवर्स एड्रेस यहाँ पर लिखते हैं इनफार्मल में कोई भी लेटर हो ओके फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि हम लिखेंगे लेटर आप लिखो लेटर अंकल को जो कि आपको बर्थडे गिफ्ट बर्थडे पे गिफ़्ट दिया है उसको थैंक करने के लिए तो सपोज़ इफ़ आई इफ आई विल लि मैं लिखूँगा अपना ही एड्रेस ओके मैं कहाँ रहता हूँ सपोज़ अगर मैं रहता हूँ पहलगाम तो मैं लिखूँगा पहलगाम अनंतनाग तो आज का डेट फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्सटीन जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी ओके तो आप लिखेंगे जो डेट ोगी okay, ठीक है और उसके बाद लिखोगे सीधे ही क्या डियर अंकल ओके डियर अंकल के बाद आप लिख सकते हैं यस्टरडे आई रिसीव्ड योर पार्सल ओके सो

तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो पर्सनल लेटर है उसमें हम खाली क्या लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस क्या सेंडर्स एड्रेस जो कि सेंड करता है सेंड कहाँ से करता हूँ मैं यहाँ से ओके okay, पहलगाम अनंतनाग से यहाँ अपना आप लिख सकते हैं अपने गांव का नाम अपने टाउन का नाम जहाँ पर रहते हैं यहाँ पे हो गया डेट तो यहाँ पे हो गया ऐसे डियर वगैरह ओके जिसको भी आप लिखते हैं डियर फादर डियर अंकल तो अगर आपको फादर को भी लिखनी है तो हॉस्टल से लिखना है तो आपको लिखना है मतलब बॉयज हॉस्टल अगर आप हॉस्टल से लिखते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपको फादर को न्यूज देनी है सुकूल को, सुकूल की, ओके या नए आ, की जहाँ पे आप एडमिट हो गए तो आप लिख सकते हैं ऐसे हॉस्टल हौस्� अनंतनाग ओके यहाँ पे हो गया डेट ट्वेंटी एट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी ओके देट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डियर पापा या डियर फादर लिख सकते हैं आप ओके काम और आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं लास्ट में लिख सकते हैं यू वर्ड अफेक्शनेटली अपना नाम तो यहाँ पे बाड़ी होगी आपकी इन्फॉर्मेशन तो ये हो गया इंफॉर्मल लेटर ओके